तो अब अगर हम इस सोलोनाइड में करंट पास करें तो इस सोलोनाइड का एक एंड नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा और दूसरा एंड साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा जस्ट लाइक द बार मैग्नेट क्योंकि बार मैग्नेट में भी एक एंड बार मैग्नेट का साउथ पोल की तरह एक्ट करता है और दूसरा एंड नॉर्थ पोल की तरह सो so जब हम इस सोलोनाइड में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो इस सोलोनाइड में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है और ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलनाइट यानी कि अंदर सॉलनाइट के इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये आसपास की मैग्नेटिक सब्सटेंस को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है जैसे कि सॉफ्ट पीस ऑफ आयरन या कोई और मैग्नेटिक सब्सटेंस। सो जितने ज़्यादा सर्कुलर टर्न होंगे हमारे सॉलनाइट में उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उसमें से और उतना ही स्ट्रांग उतना ही ज़्यादा उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा अब जो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है सोलिनॉयड में इसकी जो फील्ड लाइंस होती हैं इनसाइड द सोलनाइड वो पैरेलल स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होती है ये इंडिकेट करता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो इनसाइड द सोलनाइड सेम होता है हर एक पॉइंट पे सो स्टूडेंट काफ़ी कन्फ्यूज़ होते हैं सोलिनॉयड और इलेक्ट्रो मैगनेट के बीच तो अगर सिंपल टर्म में बात करें तो अगर एक रॉड में मैं करंट कैरिंग कॉपर वायर की सर्कुलर टर्न लगा रही हूँ तो वो एक सोलिनॉयड है लेकिन अगर उसी सोलोनाइड में मैं करंट पास कर रही हूं तो वो सोलोनाइड बन जाता है इलेक्ट्रो मैग्नेट सो नाउ आई हैव अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर यू गाइज जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो सो द क्वेश्चन इज द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड अ सोलोनाइड इज जीरो इन्फेनाइट स्ट्रॉन्ग और नेग्लिजिबल सो इफ यू फाउंड माई वीडियो हेल्पफुल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल